Hey guys, welcome back to my YouTube channel, Mr. and Mrs. J. Anu. कैसे हैं आप सब? I hope सभी अच्छे होंगे and मैं भी अच्छी हूँ. So guys, आज मैं जो आज का जो ब्लॉग है उसमें मैं आप लोगों को दिखाने वाली हूँ अपनी ब्राइडल साड़ी की कलेक्शन. बिकॉज मेरी शादी को अभी 2 साल ही हुए हैं, तो मेरा लगभग ऑलमोस्ट बहुत सारा साड़ी अभी है जो कि वैसे ही रखा हुआ है, जिसे मैंने एक बार भी यूज़ नहीं किया है अभी तक. तो ब्राइडल साड़ी तो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ आज ब्राइडल साड़ी का कलेक्शन मेरा. तो आप लोग वीडियो को एंजॉय कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी कलेक्शन में से कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी. सो गाइज, आप लोग देख सकते हैं यहाँ पे ये मेरी फर्स्ट साड़ी है जो कि मस्टर्ड येलो कलर में है. और आप लोग देख सकते हैं ये साड़ी, और इस पर पिंक का बॉर्डर दिया हुआ है और लाइट ग्रीन और पिंक का इस पर वर्क किया हुआ है फ्लावर का. आप लोग देख सकते हैं इसे, ये मस्टर्ड येलो कलर का है. और आप लोग देखिए इसका बॉर्डर, ये इसका पल्लू है आंचल, और इसमें बहुत ही अच्छा वर्क किया हुआ है जाल टाइप का. और फ्लावर इसमें जो डिज़ाइन बने हुए हैं वो बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है. और आपको पूरी साड़ी में छोटे छोटे बूटे मिलेंगे वही ग्रीन और पिंक फ्लावर्स के. और ये साड़ी का जो नीचे का बॉर्डर है, पूरी साड़ी में नीचे के बॉर्डर पे वैसे ही जाल टाइप का वर्क किया हुआ है, और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत लगता है पहनने पे, और भी ज़्यादा खूबसूरत लगता है और बहुत ही क्लासी लुक आता है साड़ी पहन के. ये साड़ी जो है वो मैंने शादी में लिया था अपने, और इसे मैंने एक बार पहना हुआ है, इसलिए इसका ब्लाउज़ वगैरह सभी चीज़ सिला हुआ है, आप लोग देख सकते हो. और इसका कलर भी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, बिकॉज न्यूली मैरिड जो होते हैं उसको रेड और येलो ज़्यादा बेयर करते हैं, तो इसका कलर भी बहुत ज़्यादा खूबसूरत है. और ये पूरी साड़ी में बूटे हैं, और इसका आंचल और बॉर्डर ऐसा है वर्क किया हुआ है. बहुत ही खूबसूरत साड़ी है. इसका कैटलॉग भी था बट वो कहीं पे होगा इसलिए मैं दिखा पा नहीं रही हूँ अभी. आप लोग साड़ी ही देख सकते हैं पूरा. और ये इसका ब्लाउज पीस है, इसे मैंने एक बार बियर्ड किया था तो मैंने ब्लाउज इसका स्टिच करवा लिया है. देख सकते हैं ब्लाउज में भी सेम फ्लावर्स बने हुए हैं पूरे येलो कलर के, और ब्लाउज के बाजू पे बॉर्डर भी दिया हुआ है सेम डिज़ाइन का, जैसा कि साड़ी में बॉर्डर दिया हुआ है वैसा ही बिल्कुल मैचिंग. और ये इसका पेटीकोट है जो कि रेडीमेड ही था. और गाइस, ये मेरी सेकंड है साड़ी जिसका कि कलर स्काई ब्लू है, आप लोग देख सकते हैं इसे. इसका भी कलर बहुत ज़्यादा खूबसूरत है स्काई ब्लू कलर, ये मेरा फेवरेट है तो मैंने इसे लिया था. और गाइस, ये साड़ी जो मैं अभी आप लोगों को दिखा रही हूँ ये इतनी ज़्यादा हैवी है, इतना हैवी है कि मैं एटलीस्ट इसका वेट कम से कम 5 kg तो ज़रूर होगा. और ये साड़ी जो है इसे मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहना है, और ना ही मैंने इसका ब्लाउज़ निकाला है साड़ी से, और ना ही स्टिच कराया है अभी तक. और आप लोग देख सकते हैं इस पर वर्क, बॉर्डर पे इतना हैवी वर्क किया हुआ है, इतना हैवी वर्क है मैं वो बता नहीं सकती. मैं पूरे पर्ल्स का वर्क है एंड जरदोजी का वर्क है, और पूरे साड़ी में छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं. और ये देखिए, इसमें साड़ी में अभी तक ब्लाउज लगा हुआ है, मैंने अभी तक इसे ना ही पहना है और ना ही मैंने अभी तक इसका ब्लाउज निकाला है साड़ी से. तो आप लोगों ने देखा होगा कि दोनों बाजू का डिज़ाइन और ये बैक का डिज़ाइन ब्लाउज साड़ी के एंड में लगा हुआ है इसमें. और ये साड़ी, इसके भी पूरे बॉर्डर, मतलब पूरी साड़ी में नीचे का बॉर्डर दिया हुआ है, और ऊपर में तो प्लीट्स के लिए अंदर टक करना होता है तो ऊपर में बॉर्डर नहीं रहता है साड़ी का. और पूरी साड़ी में छोटे छोटे स्टोन दिए लगे हुए हैं, और जहाँ पे हम लोगों का प्लीट होता है वहाँ पे हाफ साड़ी में स्टोन लगा हुआ है, जैसे कि आप लोग देख सकते हैं नीचे का बॉर्डर और हाफ में स्टोन लगे हुए हैं, और ऊपर का थोड़ा प्लेन रहता है प्लीट्स टक करने के लिए. और ये साड़ी
मतलब इतना हैवी है, इतना हैवी है कि मैंने इसे अभी तक एक बार भी वेयर नहीं किया है। मैं बोल रही हूँ एटलीस्ट इसका वेट 5 kg होगा। गाइस इस साड़ी का प्राइस भी मैं आप लोगों को बताती हूँ। इस साड़ी का प्राइस शायद 7000 समथिंग है, तो इसका पेटीकोट वगैरह लगा के सिर्फ 7500 का है। और ये साड़ी मैंने अपना शादी में ही लिया था, तो ये अभी तक वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। और गाइस ये मेरी नेक्स्ट साड़ी है जिसका कि कलर लाइट पिंक है, और आप लोग देख सकते हैं। और ये साड़ी मुझे बहुत पसंद है। और गाइस मतलब ये साड़ी बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और मैंने इसे एक दो बार पहना भी है, लेकिन मैंने अभी इसका ब्लाउज स्टिच नहीं कराया है बिकॉज इस पे गोल्डन कलर का ब्लाउज जो रेडीमेड रहता है उस पे मैंने इसे वियर किया है। बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है। इसे मैंने फर्स्ट टाइम आई थिंक तीज पे पहना था शादी के बाद। फर्स्ट टाइम मैंने शादी के बाद इसे तीज पे पहना था, और बहुत ही खूबसूरत लग रहा था। ये पहनने के बाद तो और भी ज़्यादा खूबसूरत लग रहा है। आप लोग बॉर्डर देख सकते हो, इसका बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। और इसके बॉर्डर में मतलब ये मोती वगैरह छोटे छोटे लगे हुए हैं, आप लोग देख सकते हैं नीचे में, ये और भी ज़्यादा खूबसूरत लुक देता है। और ये बैक साइड इसका आंचल है, और पूरी साड़ी में नीचे बॉर्डर और पूरी साड़ी में छोटे छोटे बूटे लगे हुए हैं, छोटे छोटे बूटे का वर्क किया हुआ है, और देख सकते हैं आप लोग। और गाइस इसका फैब्रिक मतलब इतना लाइट है, इतनी बर्क होने के बावजूद भी बहुत ही हल्का लगता है ये पहनने पे। और कलर तो आप लोग देख सकते हैं इसका कितना खूबसूरत है, और इसका फैब्रिक भी बहुत अच्छा है। आई मीन जो जॉर्जेट होता है ना, वो मतलब थोड़ा चुभता है स्किन पे, रफ टाइप का होता है, वैसा नहीं है ये, बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है ये। एंड है तो जॉर्जेट ही, बट ये बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत कंफर्टेबल है एकदम। और ये इसका ब्लाउज पीस है, आप लोग देख सकते हो। इस पे ब्लाउज पीस पे आर्म्स के लिए लेसेस लगे हुए हैं, वो बाजू के लिए, और बाकी पूरा प्लेन था। तो मैंने इसे वेयर किया था इस साड़ी को, तो मैंने निकाल दिया था इसका ब्लाउज। और गाइस ये मेरी नेक्स्ट साड़ी जो है ये ग्रीन कलर की है, डीप ग्रीन कलर, आप लोग देख सकते हो। और ये साड़ी, इसे भी मैंने अभी तक एक भी बार वेयर नहीं किया है, ये भी वैसे का वैसा ही न्यू ही रखा हुआ है। मैं सोच रही थी इसे कि पहनूं, बट टाइम नहीं मिला पहनने का, कभी मौका ही नहीं मिला है अभी तक। और ये बहुत ही ज़्यादा खूबसूरत है, और इसका भी जो फैब्रिक है वो जॉर्जेट है, बट बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है। और इसमें भी आप लोग देख सकते हैं कितना वर्क किया हुआ है, कितना ज़्यादा हैवी वर्क है इसमें भी, लेकिन फिर भी साड़ी बहुत ही ज़्यादा लाइट वेट है और बहुत ही ज़्यादा कंफर्टेबल है। और इसका फैब्रिक भी बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है। ये इसका आंचल है, और आप लोग देख सकते हैं कितना वर्क किया हुआ है आंचल में। और पूरी साड़ी जो है इस पर भी जो बीच बीच में बूटे बने हुए हैं बड़े बड़े, वो बूटे हैं, एंड छोटे छोटे स्टोन लगे हुए हैं। और इसके नीचे पूरी साड़ी में नीचे बॉर्डर है, आप लोग देख सकते हैं। और ऊपर का साड़ी जो होता है वो प्लेन है थोड़ा, और नीचे में वो नीचे का बॉर्डर और वो छोटा छोटा हाफ में स्टोन वर्क किया हुआ है। ऊपर में हर एक साड़ी में वो रहता है बिकॉज वो प्लीट्स में अंदर टक किया जाता है ना, इसलिए। और आप लोग देख सकते हैं कि इसमें भी अभी तक मेरा ब्लाउज वैसे ही लगा हुआ है, बिकॉज मैंने अभी तक साड़ी को एक बार निकाल के पहना ही नहीं है, और ना ही ब्लाउज पीस निकाला है अभी। आप देख सकते हैं दोनों बाजू का बना हुआ है, और ये बैक का बना हुआ है डिज़ाइन। इसे मैं जब भी स्टिच करवाऊंगी तो ये ऐसे ही आएगा, ये बैक पे, और वो दोनों जो बाजू के लिए डिज़ाइन बना हुआ था। ऐसे सोच रही थी साड़ी को पहनने का कभी सावन में, बिकॉज उस टाइम ग्रीन कलर पहना जाता है ना थोड़ा, तो ये साड़ी मैं उस टाइम ही पहनूंगी जब भी स्टिच करवाऊंगी उसके बाद। तो गाइस अगर आप लोगों को मेरी साड़ी पसंद आ रही हो, प्लीज़ वीडियो में कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको कौन सी साड़ी अच्छी लग रही है ज़्यादा। और अगर पसंद आ रही हो तो वीडियो को लाइक भी कीजिएगा एंड शेयर भी कीजिएगा। मैं अभी बता रही हूँ गाइस, ये आप लोग देख सकते हैं ये कलर जो है
सेम सेम है ना, एक ग्रीन कलर और ये स्काई और वो, लेकिन ये साड़ी जो रखा हुआ है यहाँ पे ये डीप ग्रीन है, वो लाइट ग्रीन है और ये स्काई है, तो थोड़ा डिफरेंट है लेकिन सेड। और ये साड़ी जो है ये भी मेरी शादी का ही है, मैंने अपने शादी में इसे भी ख़रीदा था और इसे भी मैंने अभी तक एक भी बार नहीं पहना है, ये भी वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। आप लोग देखिए इसे, हम देख सकते हैं आप लोग साड़ी में अभी तक स्टिकर वगैरह भी लगा हुआ ही है, प्राइस का जो होता है टैग वगैरह वो भी लगा हुआ है। और आप लोग देखिए इसका बर्ड कितना खूबसूरत है, इसके बॉर्डर में ये जो वेलवेट लगा हुआ है और वेलवेट पे बर्ड किया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत लगता है इसका वर्क और ये जो डिज़ाइन जैसे दिया हुआ है। इस पे भी जरदोजी का वर्क किया हुआ है और स्टोन वर्क है, आप लोग देख सकते हैं पूरी साड़ी में नीचे बॉर्डर दिया हुआ है और पूरे साड़ी में बर्ड किया हुआ है छोटे छोटे स्टोन का, और वो जो बीच बीच में बड़े बड़े फ्लावर्स हैं थोड़े, और ये इधर इसका आंचल है, आंचल में पूरे फुल बर्ड किया हुआ है, ये देखिए आप लोग ये आंचल है साड़ी का। और गाइस इसे भी मैंने अभी तक एक भी बार बियर नहीं किया है, आप लोग देख सकते हैं इसका स्टिकर वगैरह सब लगे हुए हैं अभी साड़ी में, और इसमें भी ब्लाउज पीस वैसे ही लगा हुआ है आप लोग देखिए, और अभी तक मैंने इसका ब्लाउज पीस निकाला भी नहीं है साड़ी से। ये दोनों बाजू के लिए डिज़ाइन बने हुए हैं और ये बैक के लिए है, और आप लोग देख सकते हैं इसका कितना ब्लाउज का भी कितना खूबसूरत डिज़ाइन दिया हुआ है, बैक का पूरे एकदम नेक वगैरह सब नेक का पूरे डिज़ाइन दिया हुआ है, बहुत ही खूबसूरत है ये, वैसे मैंने अभी तक स्टिच भी नहीं करवाया, वैसे का वैसे ही रखा हुआ है ये। और गाइस इस साड़ी का जो प्राइस है ये आई थिंक 4500 के अप्रॉक्स है, बिकॉज मेरी शादी को 2 साल हो गए तो अभी तो ठीक से प्राइस याद नहीं है, बट इसमें अभी स्टिकर वगैरह सभी लगे हुए हैं तो उसमें मैंने प्राइस देख के आप लोगों को बता दी। नेक्स्ट साड़ी है जो कि मेरी लास्ट साड़ी है, बिकॉज अगर मैं अपनी साड़ियाँ दिखाने के लिए बैठूँ तो एटलीस्ट वीडियो 3-4 घंटे का बन जाएगा, तो इसलिए मैं अभी इस वीडियो में बस अपनी इतनी साड़ियाँ दिखा रही हूँ। और आप लोगों को कौन सा साड़ी सबसे ज़्यादा पसंद आया है मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। और गैस मैंने आपको जितनी भी साड़ियाँ दिखाई अभी उसमें से मैंने 1-2 सिर्फ 2 साड़ी को ही वियर किया है अभी तक, बाकी 3 वैसे का वैसे ही रखा हुआ है। और ये साड़ी आप लोग देख सकते हैं ये बनारसी साड़ी है जो कि यूजुअली शादी वगैरह में मतलब दिया जाता है। इसका कलर लाइट पिंक कलर का है और ब्लू का बॉर्डर आप लोग देख सकते हैं, और ये पूरे साड़ी में बर्ड किया हुआ है, और ये इसका आँचल है ब्लू कलर का, और इस पर गोल्डन जड़ी का वर्क किया हुआ है, आप लोग देख सकते हैं ये जड़ी का जो गोल्डन जड़ी का जो वर्क है कितना हैवी है। और पूरी साड़ी में छोटे छोटे गोल गोल बूटे बने हुए हैं और छोटी छोटी स्टोन का भी वर्क है इसमें, और इसे मैंने पहना है बस एक बार, वो मैं अपनी शादी में जब ससुराल में थी तभी मैंने पहना है बस एक बार इस साड़ी को, मैंने इसका ब्लाउज वगैरह स्टिच कराया था। और इसका फैब्रिक भी गाइस बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट है और बहुत ही कंफर्टेबल है पहनने पे, बिकॉज आप लोगों को तो पता ही होगा बनारसी बहुत ही ज़्यादा सॉफ्ट होता है पहनने पे कंफर्टेबल। सो गाइस अगर आप लोगों को वीडियो पसंद आया है तो प्लीज़ वीडियो को लाइक शेयर जरूर कीजिएगा, और अगर हमारे चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को प्रेस कर दीजिएगा ताकि हमारा वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। और गाइज मुझे कमेंट करके जरूर बताइएगा कि आप लोगों को मेरी साड़ी कौन सी साड़ी सबसे ज़्यादा अच्छी लगी,
और नेक्स्ट वीडियो में आप लोग क्या देखना चाहते हैं वो भी कमेंट कर सकते हैं। तो गाइस थैंक यू सो मच, मिलते हैं आप लोगों से नेक्स्ट व्लॉग में, तब तक के लिए बाय, टेक केयर।